नया साल तो शुरू हो चुका है, लेकिन जो पाकिस्तानी सियासत है अल्हम्दुलिल्लाह वो वहीं की वहीं है। जो टेक्नोक्रेट सेटअप है उसकी इस वक्त बातें हो रही हैं, और सवाल ऐसे में पूछना ही चाहिए कि जो काम ये टेक्नोक्रेट्स या ये जो स्पेशलिस्ट्स हैं ये अपने ओहदों पर जब ये ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा होते हैं तब ये उसे पूरा नहीं करते, तो फिर ये टेक्नोक्रेट्स को अगर सेटअप बना के दे दिया जाए तो ये उस सेटअप में डिलीवर क्या करेंगे और ये जवाबदेह कहाँ होंगे? ये तो एक ऐसी आज़ाद मंशा के मालिक होंगे कि ये जो मर्जी करें और फिर ये किसी को जवाबदेह भी नहीं है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ बेहतर यह है कि खान साहब की तबीयत अच्छी होती जा रही है, और उन्होंने ये बताया है कि बुशरा बीबी जो हैं वो सिर्फ लंगर खानों या पागल खानों का दौरा करती थी, और इस दौरान उनकी इमरान खान से भी मुलाकात हुई और फिर उनकी शादी हो गई। ऑडियो लीक्स भी आ रही हैं, और ऑडियो लीक्स जो हैं वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। ख़ास तौर पर एक तो ये ज़ाती गुफ्तगू का रिकॉर्ड किया जाना सबसे पहले काबिल मज़म्मत बात है, दूसरा ये कि इसको फिर लीक कर देना और फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लीक कर देना, ये बड़ी अजीब सी बात है। या तो फिर आप पूरी ऑडियो लीक करें ताकि लोग समझ सकें कि बात हो क्या रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा, आधी अधूरी बात जो है उसे जारी किया जा रहा है और उसकी वजह से बड़ी परेशानी हो जाती है और लोग फिर अपने अपने तरीके के अंदाजे लगाते हैं। कुबरा खान साहिबा ने भी आदिल राजा जिस नाम से भी वो पुकारे जाते हैं उन्हें चैलेंज कर दिया कि 3 दिन में या तो आप सबूत दे दें या फिर आपने जो इल्ज़ाम लगाए उन पर आकर माफ़ी मांग लें, वरना वो हेयर एंड देयर हर जगह ही केसेस करेंगी और अदालतों में घसीटेंगी इन सो कॉल्ड तर्जुमान साहब को। खेल बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। पंजाब में जो तहरीक आदम एतमाद जमा करवाई गई थी वो अब वापस ले ली गई है, यानी कि जो नंबर गेम पूरा करना है वो अब पूरा करना है परवेज़ इलाही साहब को, उनकी टीम को, और 186 रिक्वायर्ड है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो है वो बाहर हो चुकी है, काफ़ी के अपने MPs जो हैं वो भी रابطے करते रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकातें उनकी होती रही हैं, चौधरी शुजात हुसैन साहब एक बड़ा वीक लिंक है, उनके ज़रिए भी मामला सेटल हो सकते हैं। तो ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में अब खान साहब के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, उनकी सारी तवज्जो देखें कि असेंबली जो उन्होंने तहलील करनी थी उस तहलील के बजाय अब उनकी सारी तवज्जो आ चुकी है इस वक्त अपने बंदे पूरे करने के लिए। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का एक वोट चला गया है, उसके अलावा अगर बात की जाए तो जो दीगर लोग हैं उन्हें इंटैक्ट रखना, उन्हें लेकर चलना, ये बड़ा इस वक्त इंपॉर्टेंट हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपने इत्तेहादियों को साथ रखना, और इत्तेहादियों से फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कार्ड होता है किसी भी हुकूमत के लिए, और अलहम्दुलिल्लाह हर हुकूमत में वो कमोबेश होते ही हैं, उन्होंने भी हरी झंडी दिखाना शुरू कर दी और अपने मुतालबात अब वो खुलकर बयान कर रहे हैं। ये नया सेटअप जो इस वक्त जिसकी तरतीब है, क्योंकि ज़ाहिर है खान साहब को भी तो किसी तरह राज़ी करना है, तो खान साहब की रजामंदी के लिए ये भी एक नया भूचाल है चाय की प्याली में जो कि आता नज़र आ रहा है आने वाले दिनों में, देखिए कि इस तरफ क्या होता है। लेकिन खान साहब को इस भूचाल से डेंट भी लगेगा, क्योंकि कराची में जो डायनेमिक चेंज हो रहे हैं, कामरान खान टिसोरी जिस तरह की कोशिशें कर रहे हैं, PSP और फिर फारूक सत्तार साहब, मुत्तहिदा बहाली कमेटी और फिर खुद MKM, अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो महाजर वोट बैंक एक तरफ आ जाएगा, फिर कोई दूसरा तीसरा बयान अगर लंदन से आ गया तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा कि महाजरों का जो डिवाइडेड वोट बैंक था वो एक तरफ हो गया, तो तहरीक इंसाफ को ये डैमेज होगी जो कि उन्हें सीटें कराची से 14 मैनेज करके दी गई थी। और इस सारी सूरत हाल में जो जावेद चौधरी साहब के कॉलम हैं वो बड़े मज़ेदार हैं। जावेद चौधरी साहब ने जिस तरह से 6 घंटे तवील मुलाकात के बाद जो राम कहानी सुनाई है उसमें मुझे हैरानी ये हुई कि वो सिर्फ और सिर्फ सुनते ही रहे, उन्हें बहसीत साफ़ी सवाल करने चाहिए थे, और अगर किए उन्होंने तो उन्हें उन सवालों को लिखना भी चाहिए था कि उन्होंने NRO क्यों दिया, उनकी मुलाकातें क्यों हुई, वो किस गुडविल जेस्चर के तहत, वो किस तरीके से जो है वो ये सारे मामलात को जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे थे, और साकिब निसार साहब से उनके आखिरी दिनों में आखिर ऐसी क्या चपकलिश हो गई कि अब वो इन सारे मामलात को खुलकर बयान कर रहे हैं, और जावेद चौधरी साहब को 6 घंटे तक का उन्होंने वक्त दिया कि वो उस मुलाकात का अहवाल फिर जो है अपने 2 कॉलम्स के जरिए बयान भी फरमाएं। तो ये हमारी जो सियासत है इससे मुतालिक हम अपनी गुफ्तगू जो है वो जारी रखेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी। अब ये सिलसिला मैंने सोचा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाए और इसमें जो हकायक हैं उन पर बात की जाए, ये जो आपको यूट्यूब पे उल्टी सीधी चीज़ें देखने की आदत है उससे हट के कुछ टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाए ताकि आप सुन सकें, समझ सकें फैक्ट्स को, और जो हकायक हैं उनको आप, ये जो मसाला है, जो मिर्चें हैं, जो चापलूसी है, उससे अलग करके भी अगर आप कुछ देखना सुनना चाहें तो हमारा चैनल उसके लिए हाजिर है, मैं उसके लिए हाजिर हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी तरफ से कोई माल मसाला ना ऑफलोड करूँ, जिससे जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगेगा, जिससे व्यूज़ भी बहुत सारे आएंगे,
लेकिन मेरी कोशिश होती है 100 ही लोग देखें, 50 लोग देखें, 10 लोग देखें, लेकिन वो लोग देखें जो जो देखना जानते हैं कि उन्होंने देखना क्या है या उन्होंने सुनना क्या है। वो हकायक की तलाश में रहते हैं, मामलात के मुख्तलिफ पहलू जो हकीकी पहलू हैं उनकी तलाश में रहते हैं। तो इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे, दुआ करें कि मैं भी जो है वो कंसिस्टेंट रहूं और आप भी थोड़ी सी कमिटमेंट शो करें ताकि इस सिलसिले को रमा रखने में आसानी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।